हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, तो वो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने घर पे कुछ काम करवाया है। और तो मंदिर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, मंदिर का काम हुआ था। और मंदिर के साथ साथ ये जो आप लोगों के लिए सेकंड सरप्राइज, तो ये है ड्रेसिंग। मैंने ड्रेसिंग टेबल अपने लिए बनवाई है, और इससे पहले जो ड्रेसिंग थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया और पिछली वीडियो में दिखा दी थी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं इसमें भी दिखाऊं। और ये जो अभी तो आप इसको देखें कि इसमें मैंने किस तरह से काम करवाया है और क्या है इसकी खास मतलब हुआ। तो मैंने इसको जो है वो पहले वाली जो थी ना, वो नीचे जमीन तक रखी हुई थी, और जो पहले चलती थी वो करीब 20-22 साल पुरानी हो गई थी। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती भी है, ख़राब भी होती हैं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत चेंज कराने की बजाय मैंने इसको अलग ही तैयार करवाया है। तो इसकी एक खासियत ये है कि इसको मैंने नीचे ज़मीन से फर्श से टच नहीं किया है बिल्कुल भी। इसको 1.5 फुट ऊपर मैंने लिया है, जिससे कि नीचे ये साफ़ सफाई वगैरह होती रहेगी, और कुछ सामान अगर रखना चाहो तो जगह का भी यूज़ हो जाएगा। और ये बनी भी इस तरह से है कि अगर आप कहीं शिफ्ट करना है, कहीं आपको चेंज करना है किसी और दूसरे रूम में, या कहीं आपने करना है जिनकी ट्रांसफ़र वाली जॉब होती है और उनको तो इसको आप निकाल के और मतलब दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। इसको मैंने परमानेंट इस हिसाब से नहीं करवाया है। मंदिर भी मैंने इसी तरह से करवाया है, जिससे आपको आप उसको यूज़ कर सकें। सो दोस्तों, इसमें जो मैंने वाइट कलर की माइका लगवाई है, तो वाइट कलर की माइका लगवाने का कारण है कि एक तो लाइट का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो घर है वो वेंटिलेशन नहीं है। कॉलोनी में जो घर होते हैं तो तीनों तरफ से वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ फ्रंट की तरफ से ही है, विंडो नहीं है इधर से। तो वेंटिलेशन नहीं होने के कारण तो लाइट की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल छोटे छोटे घर होते हैं, फ्लैट वगैरह में तो बालकनी होती है, चारों तरफ से लाइट होती है, लेकिन जो इंडिविजुअल घर हैं और जिनमें नहीं है, उनमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग जो वाइट वॉश भी कराते हैं ना, तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि लाइट शेडी रखें। तो मैंने ये वाइट इसलिए रखा है कि आप कमरे का या रूम का जो भी आप कलर कंट्रास्ट देंगे, लेकिन उसके साथ ये जो है कलर सभी के साथ जाने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको वाइट रखा है। और इसमें एक ये भी बात थी कि मंदिर का जो है, मंदिर में वाइट ही बनवाना था, मंदिर में और कोई कलर नहीं अच्छा लगता। तो सामान का भी फर्क पड़ गया कि दोनों का मटेरियल जो है वो मैंने एक साथ ही मंगवा लिया, तो उससे थोड़ी किफ़ायत ये हो गई कि वेस्टेज बहुत कम निकली, सारी चीज़ बिल्कुल यूज़ हो गई। और जिन्होंने बनाया था, बनाया है इनको, बहुत अच्छे से उन्होंने कारीगरी करी है, और उस मटेरियल बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दिया है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो हम जब पैसा लगाते हैं, मटेरियल हम अपने पसंद का खरीदते हैं, तो आप कोशिश ये करो जब भी आप काम कराते हो, तो आप जो कारीगर हैं, जो कारपेंटर हैं, वो अच्छे से चूज़ करें। भले ही वो अगर आपके 2 रुपया 4 रुपया महंगा कोई चीज़ चली जाती है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो मटेरियल लगवाएंगे तो वो मटेरियल आपका बहुत अच्छे से लगेगा। और अगर हम थोड़े बहुत पैसों के लालच में सस्ता हमने काम करा लिया, तो आपका जो महंगा जो सामान आपने लिया है वो सारा ही वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए हम मटेरियल के साथ साथ कारीगरी पे भी ध्यान देना चाहिए, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है मैंने इसमें वाइट लगवाई। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है ये स्विच इन्होंने दिए हैं, तो ये ड्रायर वगैरह के लिए है, और ये जो है ये लाइट के लिए है। तो ये इसमें मैंने जो लाइट है ना, ये आप देख रहे हो ऑन ऑफ हो रही है, तो ये लाइट मैंने दी हुई है स्पेशल फेस पे। अगर आप शादी फंक्शन में तैयार होते हैं, डेली में आपको हो सकता है इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, कमरे में लाइट होती है, पर ये जब एक बार काम हो जाता है तो उसको कोशिश ये रहती है कि हम पूरी तरह से करवाएं। तो इसलिए फिर मैंने ये लाइट जो है ऊपर लगवाई है। ये मूवेबल लाइट है, ये घूम जाती है, इधर उधर भी हो जाती है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके साथ साथ जो दूसरा सोचा है वो है ये लाइट है। तो इसमें ये लाइट इन्होंने प्रोफाइल की लगा के दी है। तो वैसे ये मिरर में भी लाइट आ जाती है, जो आजकल मिरर आते हैं लाइट वाले, उसमें भी रहती है, लेकिन वो थोड़े महंगे भी ज़्यादा पड़ते हैं, और इतना बड़ा साइज़ अगर मैं लेती तो 5-6 हज़ार से ऊपर ही पड़ता, ये कम नहीं पड़ता। और उसके लाइट का मैंने उसको यूज़ नहीं किया उस मिरर को, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो ये जो लाइट है प्रोफाइल की, जो मैंने लाइट दी है, तो इसमें क्या है, इसकी जो है, इसमें जो है लाइट में 3 कलर, इसमें भी 2 कलर आते हैं। एंड ये थोड़ा सा जो प्रोफाइल की लाइट है, इसमें भी एक वाइट आता है, वॉर्म वाइट आता है। तो इसमें लाइट वाइट नहीं दी है, वॉर्म वाइट दी है, और ये थोड़ा सा फास्ट भी हो जाती है, स्लो भी हो जाती है, मतलब थोड़ी कम लाइट भी होती है और तेज भी होती है। अच्छा, इसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके जो ड्रॉयर हैं। तो ये जो है मैंने नीचे जो है बड़े साइज़ के ड्रॉयर बनवाए हैं, ये इनका साइज़ थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, जिससे कि इसमें ये देखिए
इसमें मैंने अभी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है अच्छी तरह से, क्योंकि ये कल ही काम फिनिश हुआ है। आज मैं वीडियो डालने वाली हूँ तो इसको मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि घर के दूसरे काम में लगी थी। तो ये जो है ना, इसमें मैंने रख दिए हैं अपने, जैसे ये ड्रायर वगैरह, हेयर ड्रायर हैं और ये ब्रश वगैरह है इस तरह के। तो ये जो बड़े बड़े सामान है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मैंने इसमें रख दिए हैं। बाकी फिर मैं सेटिंग करूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये इतना इसका स्पेस है कि इसमें बड़ी चीज़ भी आराम से आप रख सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से बनाया जो, और इसका जो है सेकंड पार्ट ऊपर का है, जो ये साइज़ मैंने थोड़ा छोटा लिया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो बहुत सामान हो जाता है हमारे पास, हमें पता नहीं लगता थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मैंने अभी ऐसे बॉक्सेस में करके चीज़ें सेपरेट करके इस तरह से रख दी हैं। और ये इसमें बिजली के कार्ड वगैरह हैं। तो अभी ऑर्गेनाइज़र वगैरह अच्छे से नहीं लगाया है, लेकिन आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ कि इतनी इनकी कैपेसिटी है कि इसमें काफ़ी अच्छा सामान जो है इसमें आ गया है। जैसे ये बॉक्स है तो इसके अंदर मैंने ये क्रैचर वगैरह, रबड़ वेड वगैरह रख दिए हैं। ये एक तो सेपरेट हो गए हैं और चीज़ सामने से दिख जाती है। इसमें मैंने क्लिप्स वगैरह हैं, बनाना क्लिप्स हैं, ये पिन्स हैं, ये सारी रख दी हैं। और ये लिया है मैंने मोबाइल का जो डब्बा होता है, वही अभी लिया है खाली। और इसमें मैंने ये बिंदी के कार्ड्स वगैरह रख दिए हैं। तो इस तरह से सामान बहुत अच्छे से इसमें सेट हो गया है। ये दो साइज़ हो गए हैं। अब ये जो नेक्स्ट में इधर वाला साइज़ आपको, ये भी सेम है, दो इधर छोटे हैं दो बड़े हैं। तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसमें मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें मैंने एक DIY किया हुआ था, वो जो है इसी में मैंने सारी ये चीज़ें रख दी हैं। जो बड़ी बड़ी क्रीम वगैरह हैं वो रख दिए हैं, फेस पैक वगैरह जो भी होते हैं। और इसमें जो ये स्प्रे वगैरह, हेयर स्प्रे है, या इस तरह की जो बॉटल्स हैं उनको मैंने लिटा के रख दिया है। अभी मैंने इसी तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया है। ये जो छोटा सा बास्केट टाइप का था तो इसमें मैंने सामान रख दिया है। तो ये अभी आपको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, जिससे आप अभी ये आइडिया लगे कि इसको मैंने किस तरह से बनवाया है। फिर सामान तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बाद में करूँगी। तो इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सामान आ गया है। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। और ये जो है, इसमें मैंने डेली, मतलब जो रूटीन का है, जैसे इसमें नेल पॉलिश वगैरह है, तो ये छोटी सी बास्केट है मेरी और मैंने इसमें ये नेल पॉलिश वगैरह रख दी है। मुझे नेल पॉलिश इकट्ठे करने का थोड़ा सा शौक भी है, लगाऊं ना लगाऊं, पर मैं जब जाती हूँ तो ले आती हूँ, अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये जो है मोबाइल का जो डब्बा है, इसके अंदर मैंने ये वाली लिपस्टिक है जो मेरी लिक्विड वाली है, जो ये मैंने करके रख दी है। तो और ये जो है, ये मेरे लिपस्टिक का ही एक बॉक्स था इस तरह का, इसमें ये बने हुए हैं इस तरह के जो खन बने हुए हैं, तो इनको इस तरह से, ये लिपस्टिक का ही है, तो मैं इसमें इसी तरह से लिपस्टिक जो है वो रख दिया मैंने। तो सामने चीज़ दिख जाती है और ये मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। और डस्ट वगैरह नहीं होगी क्योंकि ये इस तरह से कवर्ड हो जाएंगे। और ये जो है तो छोटी छोटी बास्केट है, इन्हीं में मैंने छोटा छोटा जो है सामान काफ़ी लगा दिया। ये हो गए दो छोटे, हो गए दो बड़े, हो गए ये जो इसके हैंडल है, तो हैंडल ये है रोज़ गोल्ड इनका कलर है, क्योंकि वाइट पे ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा जा रहा है, लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। गोल्डन भी देखे थे लेकिन गोल्डन उतना अच्छा नहीं जा रहा था, तो ये जो रोज़ गोल्ड जो है बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही कॉपर सा शेड जा रहा है, तो वो इसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो मैंने DIY किया था अभी दो दिन पहले, आपको जो वीडियो आया उसमें आपने देखा होगा, तो इसका रखने का और कोई पर्पज़ नहीं है। सामान मैं इसमें भी रख सकती हूँ, लेकिन इसका रखने का एक पर्पज़ ये है कि एक तो मैं आपको बता दूँ कि जो कॉम्ब वगैरह वो हमें सामने ही चाहिए होते हैं, है ना, ये तो इस तरह से मैंने इसमें रख दिए हैं। अच्छा, इसमें क्या, ये प्लास्टिक की बॉटल है जो अंदर, तो प्लास्टिक की बॉटल का हमें एक बेनिफिट ये मिलता है, जैसे ये ऑयल की शीशियाँ हैं, तो ऑयल हम जब इस तरह से लेते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनमें इस तरह से हो जाता है। और वो अगर मैं इसके ऊपर रखूँगी या इनके अंदर रखूँगी तो ये कहीं ना कहीं माइका ऑयल ख़राब होता है। देखो, कोई भी चीज़ हम केयर तो हमें ज़रूरी होती है, तो इस वजह से मैंने इसको इनमें करके रख दिया है। तो ये मुझे देखने में बहुत लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो मेरी वॉल है तो ये रेड है और इसके साथ ये बहुत अच्छा इसका कंट्रास्ट आ गया। ये मुझे जब मैंने बनाए थे तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे पास बचा हुआ जो सामान था उसी से बनाए थे, लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है तो ये मुझे बहुत अच्छा मतलब लुक दे रहे हैं। और सामान ये साइड में ही रखा हुआ है, तो ये वही सामान है जो मुझे चलते फिरते में, जैसे कॉम वगैरह है सबको ही चाहिए होते हैं, लिया कंगी कर ली तो ये ऊपर रखे हुए हैं। अब मैंने आपको ये भी सब दिखा दिया, ये ड्रायर के लिए है, ये लाइट है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाली जो लाइट है, तो इसमें जो है इसको आप इस तरह से ये घुमा भी सकते हो, ये घुमा दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अभी नहीं है, ये इस तरह से नीचे भी हो जाती है,
इस तरह से कर दी ऐसे, तो इस तरह से ये ना तीनों तरफ चारों तरफ घूम जाती हैं ये। तो इससे आपको अपने जब आप तैयार होते हैं या कुछ भी, इसमें तीन कलर की लाइट भी है ना, तो ये वॉम वाइट, तो इसमें तीन कलर की जो है वो लाइट है, वाइट है एक, वॉम वाइट है एक, थोड़ी हल्की है। तो ये मुझे बहुत अच्छी मतलब लगी और मैंने इसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी लेकिन लगवाई इसीलिए क्योंकि एक बार पूरा काम मुझे कंप्लीट कराना था। और तो अब आप लोग मुझे बताना कि ये जो ड्रेसिंग है वो आपको कैसी लगी, और मैं इसी जैसे मैंने ये वाइट करवाया है तो मैं आगे जो मेरा बेड है मैं कोशिश करूँगी इसको भी मैं इसी कंट्रास्ट में जब इसका काम करवाऊँ, रेनोवेशन करवाऊँ तो मैं इसको करवाऊँगी। तो अब आप लोग मुझे बताना कि गाइस कैसी लगी आप लोगों को, या कुछ इसमें और हो सकता था जो शायद मैं नहीं करा पाई हूँ, और किस तरह से साइज जो शीशे का है तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा आड़ा इस तरह से लेने का, लेकिन घर में क्या होता है चार लोग हैं तो सबकी हाइट का अलग अलग बैलेंस होता है, तो उस हिसाब से फिर इसी तरह का मिरर मतलब जो है लेना पड़ा। अब अगर इसमें हम खड़े होते हैं ना इस तरह से खड़े होते तो मैं तो यहाँ तक आ जाती हूँ, और जिनकी हाइट ज़्यादा है ऊपर तक आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको शीशे को फिर हमने इसी तरह से इसको लिया है। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया है और इसमें क्या क्या किस तरह से काम हुएगा। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर पसंद आती है आपको अच्छी लगती है तो आप बताना। मैं इसका जो एक वीडियो बनाऊंगी किसी दिन इसका ऑर्गेनाइज करने का कि किस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और इसका जो बजट है वो मैं आपको बजट भी बताऊंगी, और मंदिर में भी इस तरह की मैंने लाइट लगवाई है तो एक दिन मंदिर का भी मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन और विद लाइट के वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी। सो दोस्तों अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करने वाली हूँ और आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। सो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय।